साथियों, जय भीम। जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को मैं नमन करता हूं। बहुत दिनों बाद मेरा ये फेसबुक लाइव है और ये फेसबुक लाइव महत्वपूर्ण है। अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होता तो शायद मैं इस फेसबुक लाइव को नहीं करता। मुझे आशा उम्मीद है कि मेरे साथी इस लाइव को खुद तो सुनेंगे लेकिन अपने परिवारों, अपने साथियों, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बुद्धिजीवी वर्ग, कर्मचारी वर्ग और गांव देहात में रहने वाले आखिरी साथी तक पहुंचाएंगे। आज मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है कि सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के हितों के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे हैं, मैं उन षड्यंत्रों को समझूं और उनको रोकने का काम करूं, अपने लोगों के हितों की रक्षा करूं। ये भी सत्य है कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास, पूरी कोशिश इसके लिए कर भी रहा हूं। अब जो वर्तमान की स्थिति है, आज हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए और जो हो रहा है उसको जिस तरह मैं समझ रहा हूं उस तरह आपको समझाने के लिए आज आपके बीच उपस्थित हूं। माननीय काशीराम साहब ने कहा था, अगर मुझसे गलती हो जाए तो आप लोग गलती मत करना। हमारे बीच में जिन महान पुरुषों के लिटरेचर आज मौजूद हैं, तस्वीरें आज मौजूद हैं, उन महान पुरुषों को महान इसलिए माना गया कि उन्होंने समय समय पे सही डिसीजन लेके समाज के हितों की रक्षा की और समाज को दीर्घभ्रमित होने से बचाया, समाज को सही रास्ता दिखाया। हम वर्तमान में दलित और आदिवासी वर्ग में एक हलचल है और वो हलचल जो है इसलिए है कि उनको कुछ को यह महसूस हो रहा है कि उनको कुछ मिलने वाला और कुछ को यह महसूस हो रहा है कि उनका कुछ जाने वाला। तो जब किसी को कुछ पाने का अवसर मिलता है, उम्मीद होती है, तो उसके अंदर भी इच्छा जागृत होती है और जिसको खोने का डर होता है उसके अंदर भी भय पैदा होता है। मैं जब अपनी बात को शुरू करूंगा तो एक नारा लगता था, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और एक और नारा लगता था, अर्जक संघ के लोग लगाते थे, सौ में नब्बे शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है, दस का राज नब्बे पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये तीन नारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पहली बात, सौ में नब्बे शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा। और तीसरी बात कि दस का शासन नब्बे पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
प्यारे साथियों, शहीद आजम भगत सिंह को भी मैं आज याद करता हूं। मेरा जीवन भी उनके जैसा है कि उन्होंने भी लंबा समय जीवन में व्यतीत किया और मैंने भी एक लंबा समय जीवन में जेल में व्यतीत किया। उन्होंने भी एक लंबा समय जेल में व्यतीत किया और मैंने, उन्होंने भी अपने जेल के जीवन में बहुत सारी किताबें पढ़ी और मैंने भी अपने जेल के जीवन में बहुत सारी किताबें पढ़ी। रोज सुबह से शाम तक मेरे पास सैकड़ों मैसेज आते हैं कि भैया इस मामले में हमें क्या करना है। तो जो मुझ पे भरोसा करते हैं वो शेड्यूल कास्ट की किसी जाति के लोग हों, शेड्यूल ट्राइब की किसी जाति के लोग हों, वो फिर मेरी बात को गौर से सुने। जिस दिन ये फैसला आया था उसी दिन हमने इस फैसले को समझते हुए अपनी बात को समाज के सामने रखा था, देश के सामने रखा था। कुछ जातियां जिनको अवसर नहीं मिला, जिनको देने की बात की गई है, उनमें खुशी की लहर। मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं, जिनको लग रहा है कि उनका कुछ चला जाएगा उनमें डर की भावना है। और मैं ये भी स्पष्ट कह दूं अपनी बात को रखने से पहले कि अगर मैं आज ये कहूंगा कि हमें भाईचारा और इन सब चीजों का ध्यान हम लोग रख रहे हैं तो भी शायद मेरी बात को उस तरह जिनके मनों में अपने आप फैसले बन गए वो नहीं हो सकते। इसलिए मैंने आपसे अपील की कि जो लोग मुझ में विश्वास रखते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो बीमार में आजाद समाज पार्टी की आइडियोलॉजी को समझते हैं, इसमें काम करते हैं, वो ये भी समझते होंगे कभी हमने जाति के आधार पर संगठन में काम नहीं किया। और जब भी कभी अन्याय हुआ हमने जाति के आधार पर उस अन्याय को नहीं देखा। हमेशा शेड्यूल कास्ट के लोगों की, शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, बैकवर्ड के लोगों की, माइनॉरिटी के लोगों की, देश की किसी बहन की, मजदूर की, किसान की आवाज उठाने के लिए हम लोग तैयार रहे। उसका आधार जाति नहीं था। तो जब मैं अपनी बात की शुरू कर रहा हूं तो मैं आपसे कहूंगा, शहीद आजम भगत सिंह ने एक बार कहा था कि किसी को मृत्युदंड देने वाले जज जिसने किसी को फांसी की सजा दी हो, मृत्युदंड दिया हो, अगर उसके फैसले के पीछे से उसका मोटिव हटा दिया जाए तो हत्या की सजा देने वाले जज में और सुपारी देके किसी की हत्या कराने वाले किसी दूसरे व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रहता। दोनों हत्यारे के साथी होते हैं। अगर जज साहब किसी को फांसी की सजा का ऑर्डर करते हैं और जल्लाद उसको फांसी देता है, उसकी जान जाती है, और यहां कोई किसी को पैसे देके किसी की हत्या करा देता है, तो दोनों में बिल्कुल फर्क नहीं है अगर उसके पीछे उनका मोटिव ना हो। अब किसी भी फैसले को समझने से पहले आपको सरकार का मोटिव देखना चाहिए कि क्या सरकार वंचित वर्गों के लिए का हितेशी है या नहीं। मैं आपको याद दिलाता हूं, अब से लगभग 2 साल पहले मैंने गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारे वो साथी जो समर्थन और विरोध कर रहे हैं वो जरूर अगर सर्च करेंगे तो उनको मिल जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी कि हमने रिसर्च किया, चर्चा की और हमने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की 66 जातियां हैं, उनमें से बहुत कम जो है वो नजर आती है, लेकिन एक बड़ी संख्या उन जातियों की जो नजर नहीं आती। इसलिए हमने मांग की कि जब सुप्रीम कोर्ट ने EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण की सरकार की व्यवस्था को सही माना, तो उनको चाहिए कि वो आरक्षण की सीमा बढ़ा दें, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की आबादी लगातार बढ़ रही है और पिछले लंबे समय से जातिगत जनगणना भी नहीं हुई, तो वो आरक्षण की सीमा बढ़ा दें और इन जातियों को अलग से 5% आरक्षण की व्यवस्था कराएं। और अगर हमारे अपने भाइयों को 5% आरक्षण मिलेगा तो हमें इसके लिए कभी तकलीफ नहीं होगी। और मैं तो कह रहा हूं 5% ही नहीं, 10% देना चाहिए जिनको अवसर नहीं मिले।
दूसरा हमने यही बात पिछड़े वर्ग के जातियों के लिए भी कही कि पिछड़े वर्ग की आबादी 52% है, और मैं आपको चरित्र बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का, जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हमारे लोग जो हैं चर्चा कर रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आबादी के बाद 27% रिजर्वेशन दिया, उसमें भी क्रीमी लेयर की एक सीमा लगा दी और फिर उस आरक्षण व्यवस्था को चालू किया। लेकिन आज तक भी कभी उसको मॉनिटरिंग नहीं किया, तो इसका जवाब मैं आगे वो आपको दूंगा कि क्या स्थिति है। तो इसलिए मैंने, क्योंकि आंकड़ों पे बहुत बात हो रही है, तो मैंने इसलिए कहा कि उन जातियों को भी, जो जातियों को अवसर नहीं मिला है, उनको भी 15%, जबकि बैठता तो 25% है, लेकिन 15% अतिरिक्त आरक्षण जो है 27% से अलग पिछड़े वर्ग की जातियों को, उन जातियों को जिनको अवसर नहीं मिला उनको चिन्हित करके दिया जाए। ये बात मैंने उस पीसी में रखी और अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि हम जो हमारी पॉलिसी है वो जनता को पता होनी चाहिए, सेम समान एजुकेशन पॉलिसी, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, सभी को न्याय की व्यवस्था समान रूप से, जो कि आज नहीं। एक गरीब आदमी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, लाखों रुपए लगते हैं। ये व्यवस्था इस विषय पर मैंने अपने लोगों से ये अपील की, पार्टी के लोगों से, कि वो गांव गांव जाकर इसका प्रचार करें कि होना चाहिए। ये हमारी 1.5 साल 2 साल पहले जब इस पर कोई चर्चा नहीं होती तब ये हमारी दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति थी कि ये होना चाहिए, उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, और अब संख्या के आधार पर आरक्षण व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या है उतना आरक्षण का लाभ उसको मिलना है, उतने लोग उनके प्रति तो उनका होना चाहिए। ये हमारा सामाजिक न्याय के प्रति हमारा दृढ़ संकल्प भी है, और हम इसके प्रति, ये महानपुरुषों की बात है, इसके प्रति हम लोग जो हैं मेंटली प्रिपेयर भी। साथ साथ अभी जब आपने मुझे पार्लियामेंट में सुना, जब ये ऑर्डर भी नहीं आया था, तो मैंने एक मांग की जो मैंने प्राइवेट मेंबर बिल लाके की, पढ़े लिखे लोगों ने सुना होगा कि निजी क्षेत्रों में, क्योंकि सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो गई है, सरकारी पूरा डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिया है, सरकार बड़े पैमाने पे लेटरल एंट्री कर रही है, संविदा है, आउटसोर्सिंग है, ठेकेदारी है, तो बड़े पैमाने पे सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो गई है, तो अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था SC ST OBC के लोगों को कराई जाए। ना मैंने किसी एक जाति की बात की, ना एक धर्म की बात की, मैंने SC ST OBC के लोगों के लिए बात की। ये मेरा सामाजिक न्याय के प्रति मेरा दृष्टिकोण है। शायद मेरी इतनी बड़ी मांग हमारे इतने बड़े SC ST OBC समाज को नहीं दी। ये मांग मैंने ना अपने परिवार के लिए की, ना जिस जाति में मैं जन्मा हूं उसके लिए की, ना ही सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए की। ये मांग मैंने शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के लिए, शेड्यूल ट्राइब की सभी जातियों के लिए, और बैकवर्ड OBC अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए भी की, क्योंकि मैं उनकी सामाजिक हैसियत को समझता हूं और उनकी जो आर्थिक जो असमानता का शिकार हूं उसको भी समझता हूं। अब सवाल यह है कि जो व्यवस्था में आरक्षण आपको मिला वो मांगने से मिला या उसके लिए प्रयास करने पड़े, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके लिए एक लड़ाई लड़ी, वो मांगने से इन सरकारों ने, इन लोगों ने खुश होकर आपको नहीं दिया, उसके लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ी, पूना पैक्ट हुआ, कमल अवार्ड हमसे छीना गया, तभी आरक्षण व्यवस्था हमारे लिए हुई। ये किसी ने दया करके आपको नहीं दिया। जुडिशरी, जिनको कहा जाता है कि वो न्यायप्रिय है, कभी उन्होंने जो एट्रोसिटी शेड्यूल कास्ट के लोगों पे होती है, कभी उन्होंने उसको स्वतः जो उसका संज्ञान नहीं लिया, जब तक वो बहुत बड़ा विषय नहीं होगा। और उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जब कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया, स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन हाथरस के मामले में जब हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे, हाथरस के मामले में जब हमने बहुत पूरे देश में संघर्ष किया, दुनिया में जो लोग
रविदास धर्म के लोग रहते हैं, मुझसे अटैच करते हैं। मैंने उनको कई जगह जो है भारतीय दूतावास पे जो है जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कई जो है कंट्रियों में जब मैंने उनसे कहा कि आंदोलन की अपील की कि हमारी बेटी के साथ ये, बहन के साथ ये हुआ है, तब जाके हाईकोर्ट ने सू मोटो लिया और सुप्रीम कोर्ट के में जब आया मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाईकोर्ट इसको अपने आप सुनेगी। ये मैंने जुडिशरी का बताया। लेकिन सवाल ये है कि जुडिशरी में मैंने मांग की कि कोलेजियम सिस्टम खत्म करके वहां भी SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कराई जाए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाए। वो वहां मैंने एक जाति के लिए मांग नहीं की, वहां भी मैंने SC ST OBC के लिए मांग की और वहां तो मैंने सामान्य जाति के बच्चों के लिए भी की, क्योंकि वहां तो एक इस तरह का पिंजरा है कि उसमें कुछ ही परिवारों तक वो सीमित है, उससे नीचे नहीं जा सकते। ये मेरा सामाजिक न्याय के प्रति दृष्टिकोण है। अब अगर आप आरक्षण की बात करेंगे, जिस तरह की चर्चा आज चल रही है, तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट या सरकारें हमारे हितों के प्रति, हमारे अधिकारों के प्रति इतनी सचेत होती, तो अगर आंकड़ा आप उठा के देखोगे क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक का, तो 15% जो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला है उनमें से अभी 4% के लगभग पूरा हुआ है, उनकी लगभग 11% सीटें 4.25 के लगभग पूरा हुआ है, 10.75% सीटें उनकी अभी खाली, जो सुप्रीम कोर्ट हमारी बहुत चिंता कर रहा है उसका उसने कभी इसकी जानकारी नहीं ली। और मैंने ये बात कही कि लक्ष्मणपुर बाथे एक घटना हुई थी बिहार में जिसमें 50 शेड्यूल कास्ट के लोगों की हत्या की गई थी, तलवार की नोक पर जो है महिलाओं के पेट चीरे गए थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बहुत सारे अपराधियों को, आरोपियों को सजा की आजीवन, और हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया। कभी सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लेकर पूछने का काम नहीं किया कि 50-50 दलितों के हत्यारे कौन है, उनकी जांच होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज भी सीवर से लेकर लाखों जो है महिलाओं के साथ रेप हत्याएं होती है, सीवर में जान जाती है, कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने, NCRB का डाटा इतना है, तमाम जो है बजट और सब कुछ है, पुलिस है, सब कुछ है, सारे डाटा को देखते हुए आज तक भी सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लेके ये सरकारों को टाइट नहीं किया कि भाई ये इस तरह से महिलाओं पे हिंसा, वो भी कमजोर वर्गों की महिलाओं पे हिंसा रोकें। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी डायरेक्शन भी नहीं दी कि जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर छुआछूत हो रही है उसको भी रोका जाए। इसका उदाहरण मैं आपको बताता, मटकी छूने पर हत्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं पास किया। मुझे रखने पर हत्या हुई, आज भी बारात रोक दी जाती है, मंदिर जाने पर आज भी रोका जाता है, यहां तक कि राष्ट्रपति जी को भी रोका गया। इसलिए मैं कहता हूं जाति कभी नहीं जाती। कभी सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नहीं लिया, इतना सुप्रीम कोर्ट आपके हितों के लिए चिंतित है। और 27% आरक्षण जो पिछड़े वर्ग को मिला है उसमें से भी 6% पूरा हुआ है, 9% आरक्षण अभी तक उनका भी बैकलॉग आज तक पूरा नहीं हुआ। ये है स्थिति, हम इतने आगे बढ़ गए, आज हम क्रीमी लेयर की दशा में चले गए हैं। आंकड़े अगर सरकार जारी करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो अंतर विरोध आज आपस में हो गया है, वो अंतर विरोध भी लगभग काफी हद तक साफ हो जाएगा। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा किसी पे, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। हम लोगों ने तो जब आंदोलन शुरू किया तो बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने के लिए किया और लगातार हमने उसका प्रयास किया, और शेड्यूल कास्ट की सभी जाति को बराबर की संख्या के आधार पर जितने लोग हमसे जुड़े उनको सम्मान भी दिया और प्रतिनिधित्व भी दिया, लीडरशिप भी उनकी तैयार की। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं कि आरक्षण को समझने के लिए, आरक्षण से जो नियुक्ति निकलती है उसको समझने के लिए एक 13-point रोस्टर का एक आंदोलन हुआ था, उसको भी समझना जरूरी है कि उसका इतने बड़े पैमाने पर इंटेलेक्चुअल्स में विरोध क्यों हुआ।
200 पॉइंट रोस्टर को खत्म करके 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया, 13% रोस्टर। उसमें क्या था, उसका विरोध यह था कि रोस्टर में सातवीं जो है नौकरी शेड्यूल कास्ट के लिए आती परसेंटेज के आधार पर। और फिर सरकारों ने क्या किया, पहले पूरे यूनिवर्सिटी को डिपार्टमेंट बनाया जाता था, लेकिन यूनिट बनाया जाता था, फिर उन्होंने जो डिपार्टमेंट है छोटे छोटे अलग अलग भाग के उनको उन्होंने यूनिट बनाना शुरू किया। जैसे सोचे पूरी यूनिवर्सिटी में 100 नौकरी आई तो 100 नौकरियों के आधार पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी, बैकवर्ड के लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन जब उन्होंने जब जो नहीं देना चाहते उन्होंने ये किया कि उन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर लाए और उसके अकॉर्डिंग जो है अगर 5 नौकरी आएगी किसी विभाग में, 5 वैकेंसी आएंगी तो 5 में तो रोस्टर में आता ही नहीं शेड्यूल कास्ट, तो एक भी नौकरी शेड्यूल कास्ट के लोगों को नहीं मिलेगी, चाहे ईडब्ल्यूएस के जरिए भरी जाए चाहे सामान्य जाति के लोगों को भरी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा हमला हमारे आरक्षण पर हुआ, कभी सुमोटो नहीं लिया। ये मैंने आपको बताया कि चरित्र क्या है सुप्रीम कोर्ट का और सरकारों का आपके प्रति। और बुरा मत मानिए, याद कीजिए आपसे कौन कितना प्रेम करता है। जब हाथरस की बेटी का विषय आया था, ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि हमारे लोगों को याद होना चाहिए, इस पूरे शेड्यूल कास्ट के लोगों को, तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक भी मिनिस्टर आप उसके लिए ट्वीट नहीं कर पाया था, और सब लोगों ने उस बेटी का चरित्र हनन मिलकर करने का प्रयास किया। यहां तक कि जो सिटिंग एमपी थे वो भी अपराधियों के पक्ष में खड़े थे। समझदार लोग मेरी बात को समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कौन किसका कितना ऐतिहासिक है, कौन किसको कितना प्रेम करता है, कौन किससे कितना जो है, कौन किसको कहां देखना चाहता है, कौन किसका कितना सहयोग करना चाहता है, पिछले नेताओं का पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपने बारे में आज आपसे कहूंगा, आज 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 जो स्थिति उस मामले को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया वर्गीकरण और क्रीमी लेयर, और एक जज साहब तो और आगे निकले कहा कि एक बार जिसके बच्चे को मिल जाएगा उसको दोबारा नहीं मिलेगा। अब क्रीमी लेयर पे जब क्रीमी लेयर की बात आई तो क्रीमी लेयर का नुकसान शेड्यूल कास्ट की सब जातियों को होता, चाहे वो सफाई कर्मचारी में नौकरी लगाओ या वो जो एक लाइन और उन्होंने कही कि जिसको एक बार मिल गया, चाहे वो फोर्थ क्लास की नौकरी में लगाओ या क्लास वन की, इसका नुकसान सबको होता। तो सभी लोग इसका सामूहिक रूप से विरोध करते हैं, लेकिन वर्गीकरण के आधार पे, वर्गीकरण को जब आधार बनाया गया तो अब क्योंकि पुराने रूप से प्रैक्टिकल हुआ है, इसके फायदे भी उस तरह से कुछ जो है हुए हैं, वो नियत के ऊपर डिपेंड करता है। पंजाब में, हरियाणा में, तो मैं इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात को भी समझता हूं, लेकिन मैं इस आंदोलन के समर्थन और विरोध पर ध्यान रख रहा हूं। आज इस आंदोलन का समर्थन वर्गीकरण का वो लोग भी कर रहे हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों से अलग, जो लोग पूरी जिंदगी आरक्षण को कोसते रहे, जो कहते थे आरक्षण से अयोग्य लोग आते हैं, आरक्षण की वजह से ये हमारे सर पे चढ़ के बैठ गए हैं, आरक्षण की वजह से जो तमाम तरह से हर घटना पे हमें गाली देते हैं, आरक्षण की वजह से जो कोसने काम करते हैं आरक्षण को, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस जो है 10% ले भी लिया, लेकिन वही जो है वो समर्थन कर रहे हैं। अब आप समझिए, जब आपका दुश्मन आपके अधिकारों का समर्थन करने लगे तो आप समझिए कि क्या हो रहा है। जिन लोगों ने पूरी जिंदगी, जिनकी संतानों ने, उनके बड़ों ने, उन्होंने जिन्होंने कैंपेन चलाए, जिन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं करके कहा कि आरक्षण की नसबंदी करनी चाहिए, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, वही लोग जो हैं आज आरक्षण का समर्थन करके हमारे भाइयों को के बीच में जा रहे हैं, भाइयों से बात कर रहे हैं कि भाई हम आपके हितैषी हैं, आपको मिलना चाहिए।
अब इसका जो मुझे नुकसान समझ आता है उसको भी समझिए मेरी भाषा में। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को पावर दे दी कि स्टेट कर सकती है, लेकिन उसके साथ एक बीच में एक पेच भी लगा दिया कि बिना आंकड़ा जुटाए नहीं कर सकती। आंकड़े कैसे जुटेंगे? जब जातिगत जनगणना होगी। भाई जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक तो आपको कैसे पता लगेगा किसको कितना लाभ मिला है? तो पहले आप जातिगत जनगणना कराएंगे। इसके लिए मेरे पास एक और उदाहरण है, जैसे आर्थिक आधार पर जब आरक्षण आया तो वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल था, असंवैधानिक था, क्योंकि आरक्षण का जो आधार है वो छुआछूत है, वो भेदभाव है, वो प्रतिनिधित्व है। लेकिन क्या सामान्य जातियों का प्रतिनिधित्व कम है? क्या उनके साथ छुआछूत होती है? क्या वो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं? ना उनके साथ छुआछूत होती, ना वो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए और ना ही उनका प्रतिनिधित्व कम है। लेकिन वो इस देश में इसी सरकार ने लागू किया जो सरकार पिछले दरवाजे से इसका समर्थन कर रही है। तो मेरा कहना यह है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान मुझे नजर आता है वो ये, स्टेट को अगर पावर दोगे तो स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार में 17 ओबीसी की जातियों को शेड्यूल कास्ट में जोड़ने का जोड़ दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया, और भी कई सरकारों ने इस तरह का प्रयास किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस बात के साथ खत्म कर दिया गया। हम भी ये कहते थे और आप सब लोग भी जानते, पढ़े लिखे सब लोग ये कहते थे भाई ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी पावर तो राष्ट्रपति जी को है, संसद को है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट को है ही नहीं। कल जो आपके विरोधी सरकारें हैं वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे कि बहुत सारे उन जातियों को, बैकवर्ड की उन जातियों को शेड्यूल कास्ट में करके और आप ही की जिस खाने को आपके लिए बनाने को है उसमें प्रतिनिधित्व के आधार पर डाल देंगे, फिर क्या करोगे? मेरी ये मानना है कि ये पावर संसद को ही रहनी चाहिए। इसकी जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर है वो संसद को रहनी चाहिए, राष्ट्रपति जी को रहनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत सारी जगह पे आपके हितैषी नहीं है, और कौन सी गवर्नमेंट आपके हितैषी आप बेहतर जानते हैं। उसका उदाहरण यह है कि आपके बच्चों के स्कॉलरशिप बंद हुई, किसी को फर्क नहीं पड़ा, एजुकेशन का बजट बंद हुआ, किसी को फर्क नहीं पड़ा, स्कूल इतने बंद कर दिए, किसी को फर्क नहीं पड़ा, तमाम तरह की चीजें और प्रयास किए, किसी को फर्क नहीं पड़ा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जमीन पर जाके आप देखेंगे तो आपको और एट्रोसिटी और तमाम चीजें तो वो आपके सामने रहेंगी, और किस तरह से आज भी कच्चे मकानों में रहते हैं, तमाम तरह की परेशानियां होती है, मैं उस बात को आप और मैं जानते हैं। अगर इतना जो अच्छा होता तो फिर हमारे लोगों को मैला नहीं उठाना पड़ता, कटर में नहीं जाना पड़ता, ठेकेदारी पर 5,000-7,000 में काम नहीं करना पड़ता। ये तकलीफ भी जो है नहीं होती। तो स्टेट को इसकी पावर देना ये खुद में एक अंतर विरोध खड़ा करना है। कल कहीं बिना आंकड़ा जुटाई कर दिया जाएगा तो उस तरह से फिर कोर्ट में जाके इसको जो है इसको फिर से इसमें रोक लग जाएगी। तो इसकी पावर जो है वो स्टेट में नहीं होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए। दूसरा मैं कहता हूं सेंटर को, अगर सेंटर हमारे भाइयों को देना चाहता है तो हम तो रेडी बैठे कि वो दे, वो जातिगत जनगणना कराए, उसके आंकड़े देखे और उसके आधार पर जिन जातियों को नहीं मिला उनको दे, स्पेशल ट्रीटमेंट के तौर पर दे, और 2-4% नहीं 10% दे। लेकिन भाइयों को लड़ा के, भाइयों को आपस में झगड़ाने सामने लाके अगर सरकार ये सोचती है कि वो सफल हो पाएगी तो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। बड़ी मुश्किल से ये इस तरह की एकता जैसे हालात बने, वो भी तब बने जब पूरी कम्युनिटी पे, पूरे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पे हमला हुआ SC ST एक्ट में, तब जाके ये एकता क्यों बने जब मार पड़ी। उससे पहले भी बहुत एकजुट नहीं थे, लेकिन उस दिन एहसास हुआ कि हम एक ही परिवार हैं। तो मैं तो कह रहा हूं अगर सरकार देना चाहती है आंकड़े जुटाए, जातिगत जनगणना कराए और 10% कम से कम जो है हमारे उन भाइयों को जिनको अवसर नहीं मिला उनको दे। हम तो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े समर्थक हैं। आप जल्दी से जातिगत जनगणना आप देखिए, सरकार जातिगत जनगणना करा सकती है नहीं करा सकती है,
ये आपके और मेरे सामने है, इसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पार्टी जातिगत जनगणना की थी। इसी भाई बिना जातिगत जनगणना कराए कैसे करा दो, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लगाया कि जातिगत जनगणना आंकड़े जो इकट्ठा करे और आंकड़े इकट्ठा करके फिर करे। तो मैं तो कह रहा हूं सरकार जातिगत जनगणना कराए। हम तो इस बात को मानते हैं कि जातिगत जनगणना हो, सब कुछ ओपन हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जिसको इतना मिला सब पता लग जाए, क्या 15% पूरा हुआ आज तक ये भी जानकारी हो जाए। तो ये जो भ्रम फैलाया गया है, तब जैसा ये कहा जा रहा है कि किन जातियों ने ज्यादा खा लिया वो कर लिया, तो मैं मानता अगर 15% उन जातियों के पास 15% पूरा मिल रहा होता और उनमें वही जातियां होती तो मैं मान लेता कि भाई वो ज्यादा खा रहे। लेकिन जब पूरा ही 4% हो रहा है, 5% तक पहुंच रहा है, तो 9% उसमें जब अपने लोग जो हैं वो भरे जा रहे हैं, क्योंकि बैकलॉग तो लगातार धीरे धीरे पूरा कर रही है सरकार ईडब्ल्यूएस और तमाम तरह के जरिए, तो इसलिए ये आधार जो है वो निरर्थक हो जाता है जब मैं इसको देखता हूं। दूसरा, अब उकसाने वाली बातें कही जा रही हैं एक दूसरे को, मैं उन पर भी टिप्पणी करूंगा जो कह रहे हैं कि भाई जो वंचित वर्ग की जातियां वो हैं कि भाई इनमें पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एजुकेशन स्वीकार नहीं किया। तो भाई एजुकेशन स्वीकार नहीं किया, आपने कितने लोगों के हाथ जाके पकड़े, कितने लोगों के लिए स्कूल खोले, कितने लोगों के लिए कॉलेज खोले, कितने लोगों के लिए कोचिंग सेंटर खोले, कितने लोगों को बराबर बिठा के पढ़ाना सिखाया कि आप वर्ग बन पाए, बाबा साहब तो आपको शेड्यूल कास्ट बना के कि आप वर्ग बन पाए, क्या आपने रोटी बेटी का रिश्ता किया, क्या आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, क्या आपने पे बैक टू सोसाइटी किया, इसका जवाब आप पे है, क्या आपने अपने आखिरी भाई का हाथ पकड़ा, क्या आप उनकी बस्ती में गए, उनके बीच में बैठे, उनकी परेशानी को सुना समझा, उनके साथ खड़े होने का प्रयास किया, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ माना। तो जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ आएगा हमने तो ये काम किया है, हमारी लीडरशिप ये बात जानती, लोग हमारा करेक्टर इस मामले में जानते हैं, हमारा कार्य जानते हैं, लेकिन और किसी संगठन में इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो अपनी जाति से बाहर निकल के इस काम को कर पाता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी साजिशें हो सकती हैं, आपको एक दूसरे भाई के आमने सामने कर दिया जाए, उसमें उधर से कुछ सरकार के लोग, विरोधी लोग, अन्य संगठन लोग घुस के हमला, हम एक दूसरे के साथ खड़के पे हमला कर दें, ऐसी स्थिति हो जाए कि एक लंबी खाई खिंच जाए, इतनी लंबी खाई खिंच जाए कि भाई भाई की शकल ना दिखे, भाई भाई को विरोधी समझ बैठे। हमें तो अवसर नहीं मिला, लेकिन हम अगर जब हमें अवसर मिलेगा तो हम तो खुद करके दिखाएंगे कि किस तरह से अपने भाई को जो हासिब है उसको अपने बराबर में लेके आ जाता। हमें तो अवसर नहीं मिला, हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो कोशिश करके प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमें मौका मिले और इसके लिए हम राजनीतिक शक्ति इकट्ठा कर रहे हैं तो हम ये करके दिखाएं। हम अपने भाइयों के बीच में बंटवारा ना करें, लेकिन जो विरोधियों ने हमारा छीन रखा अधिकार, जिस पे हमारा अधिकार बैठता है, जिस पे हमारी हिस्सेदारी बैठते हैं, हम उनसे अपने भाइयों के पास तक अधिकार पहुंचाने का काम करें, ना कि अपने भाइयों में बंदर बांट करके उनको लड़ाने का काम करें। ये काम तो विरोधियों का है, वो अपना काम कर रही। अब बड़ा सवाल ये आया था कि अभी हरियाणा का चुनाव आज अनाउंस हो गया, मुझे एहसास था, मैंने इसलिए आज का दिन का लाइव रखा था। तो हरियाणा में अब क्या, अब आचार संहिता लग गया, कुछ हो नहीं सकता है, मगर आपस में एक दीवार तो खड़ी कर दी गई, वो जो एकता आपकी बनी थी उसको तोड़ने के लिए। आप पे क्या भरोसा है कि चुनाव के बाद सरकार जो है, जो बंद दरवाजे से आपको कह रही है कि हम आपके साथ हैं और माइक पे कह रही है कि नहीं हम इसको पे अभी तय नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो इसके बाद इस पर अध्यादेश नहीं लाएगी, या इस चुनाव के बाद आपकी वोटों को लेके फिर अपने तरीके से काम नहीं करेगी? ये तो आपको तय करना है। मैं मानता हूं और मेरी समझ में जहां तक आया है कि जब आपके आगे दाना फेंका जाए तो शिकारी आपका शिकार करना चाहता है,
ना कि आपको पाल पोस के मजबूत करना चाहता है। इसलिए मैं समाज से कहूंगा, अपने सरूल कास्ट सरूल ट्राइब के हर भाई से, कि वो एक दूसरे पे टिप्पणी ना करें, एक दूसरे को बुरा ना कहें और अपने अपने अधिकारों के प्रति संवैधानिक मर्यादाओं में जो संघर्ष वो कर रहे हैं उसको करते रहे। दूसरा, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, सरकार के षड्यंत्र को समझती है, सरकार के चालों को, साजिशों को समझती है और भविष्य में कुछ ऐसा ना हो जाए उसको भी ध्यान में रख के सचेत है। इसलिए आजाद समाज पार्टी, निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था की जाए और इसके लिए सरकार को झुकाने का काम, सरकार को मजबूर करने का काम किया जाए और आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। जिन भाइयों तक नहीं पहुंचा उनको 10% आरक्षण की सीमा बढ़ा के 15% से अतिरिक्त 10% आरक्षण की व्यवस्था उन जातियों के लिए की जाए। ऐसी जो है हमारी सोच है और उसके लिए 11 सितंबर को हम लोग दिल्ली में एक ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे। हमें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की शक्ति पे, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के, जो बुद्धिजीवी वर्ग के सोच रहा है, मुझसे उम्मीद कर रहा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो हमारा बेटा है वो हमारे अधिकारों के प्रति क्या सचेत है या नहीं है, या उसको फिक्र है या नहीं है। मैं उन सबसे भी कहना चाहता हूं कि जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, ना तो मैं अपने भाइयों को लड़ने दूंगा और ना ही मैं इनके अधिकारों को दुश्मन की साजिशों का शिकार होने दूंगा। और जो भी आरक्षण के खिलाफ षड्यंत्र करने काम करेगा उसको दिन में तारे दिखाने काम हम लोग जो है वो करेंगे और एक बहुत ऐतिहासिक आंदोलन हम लोग 11 सितंबर को दिल्ली में करेंगे। ये खेल बहुत हो गया कि हम लोग 15% में लड़ते रहे, हम लोग 15% में नहीं लड़ेंगे आपस में, हम लोग शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए 25% आरक्षण की व्यवस्था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए की जाए, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और अपने भाइयों को भी उनका हिस्सा दिला के रहेंगे। मैं आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और अपने बहुजन समाज से, बुद्धिजीवी वर्ग से कहूंगा कि किसी भी तरह की टिप्पणी अपने भाइयों पर ना करें। कल हमारे भाइयों को जब सरकार का खेल उनकी समझ में आएगा तो उनको एहसास हो जाएगा कि सरकार उनके साथ किस तरह खेल रही थी, सरकार उनकी कितनी हितैषी है और सरकार उनसे वोट के अलावा कोई और मतलब मकसद रखती है नहीं रखती है। बहुत सारे लोगों को इतनी इतनी बार मौका मिला फिर भी आज हम इस हालात में क्यों, इसका जिम्मेदार कौन है? नौकरियां इस देश में 2% है जिनमें से 1% करीब निजीकरण की भेंट चढ़ गई है। बहुत सा बड़ा सेक्टर प्राइवेट हो गया और बहुत सारे बैंक अभी प्राइवेट सेक्टर में करने के लिए उनको मर्ज करने की तैयारी कर दी। बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, आने वाले समय में कोई कहीं किसी डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी बचेगी, सब सेक्टर प्राइवेट हो जाएगा, तब आपके बच्चे क्या करेंगे, मुझे इस बात की भी चिंता है। मुझे चिंता है क्या आप पूरी जिंदगी जब तक जीवन रहेगा आपका, क्या आप गरीबी, बेबसी, जुल्म, जातिगत भेदभाव, अन्याय, अत्याचार से ही लड़ते रहेंगे या इस देश में अपनी हिस्सेदारी को भी आगे बढ़ाएंगे? मैं फिर विश्वास दिलाता हूं, जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पर, एक कार्यकर्ता होने के नाते आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का मैं वचन देख कहता हूं कि मैं अपने लोगों के हितों के से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं करूंगा और किसी भी तरह से अपने लोगों के हितों को, दुश्मन को छीनने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। जब तक मेरे अंदर लहू का, मेरे शरीर में सांस है, लहू का आखिरी कतरा है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, जो शक्ति उन्होंने मुझे दी है मैं उनकी शक्ति के बदौलत उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं
चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता, आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी सरकार को उसकी साजिश का जवाब देने की शक्ति आप लोगों ने हमें दी है, वो जवाब हम लोग दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे भी कहूंगा, सावधान रहें, सतर्क रहें और आपस में अपनी एकता को ना टूटने दें। बहुत सारी चीजें समय के साथ जो है छनकर आपके सामने आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें जो हैं छनकर स्पष्ट रूप से आपके सामने आएंगी, तब आपको एहसास हो जाएगा। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सुना, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। मगर मेरा विश्वास है कि आप वर्तमान हालात, दुश्मनों की साजिश और आज की स्थिति में किस तरह से समाज को साथ लेकर चलना, इन फैसलों को मेरे समझेंगे। मैं बहुजन समाज का सच्चा सिपाही हूं, इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, सावधान सतर्क रहें और जिम्मेदारी से संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी बात को रखें, अपने आंदोलन को चलाएं, किसी जाति धर्म पर टिप्पणी ना करें, किसी को बुरा ना कहें, अपने संवैधानिक संघर्ष को जारी रखें। और बाकी बात मैंने आपको कहा, जो सरकारें हमारी एकता तोड़ के हमें कमजोर करना चाहती है, उनसे हम सीधे सीधे जो संघर्ष है वो अपनी शक्ति के बल पे 11 सितंबर को दिल्ली में उनको जवाब देंगे और उनके इस झूठ को कि पोल को भी खोलने का काम करेंगे। हम पे बहुत सारे उस तरह के एविडेंस उनके प्रति हैं कि वो किस तरह की मंशा और किस तरह की इच्छा हमारे लोगों से रखते हैं, क्या वो हमारे लोग छुआछूत भेदभाव करते नहीं करते हैं और वो हम लोगों के कितने देसी। उन्हें आप सभी का धन्यवाद, लेकिन मैं समाज से अपील करूंगा कि वो निराश ना हो, कमजोर ना पड़े, मन में कोई परेशानी ना रखे। सुप्रीम कोर्ट और तमाम चीजों से बड़ी है जनता, और जनता जो है अपनी शक्ति को समझे। जिस तरह से हमने पहले भी, चाहे 2 अप्रैल को अपनी एकता से, चाहे दिल्ली में गुरु घर के आंदोलन में अपनी एकता से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसी तरह से हम सरकार के इन षड्यंत्रों का भी सामना करेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पैरों की तरफ नहीं, आसमान की तरफ देखेंगे और 85% बहुजन समाज के लोगों को उनकी संख्या के आधार पर उनके अधिकार कैसे मिले, इस बात के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं और आप सभी के लिए जो है मेरा प्यार और सहयोग।